मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए अब कुछ ही वक्त बचा है। ऐसे में सत्ताधारी भाजपा और कांग्रेस दोनों चुनावी तैयारियों में जुट चुके हैं। इसी बीच कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के प्रचार का शंखनाद कर दिया। जबलपुर में एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने एक तरफ जहां चुनावी वादों की झड़ी लगा दी, वहीं दूसरी तरफ विपक्षियों को भी निशाने पर लिया। उनके निशाने पर वो भी रहे जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। इस दौरान प्रियंका गांधी ने बिना नाम लिए, गौर करिएगा, बिना नाम लिए ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधा। दरअसल जबलपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रियंका गांधी ने कहा कि 15 सालों बाद प्रदेश में हमारी सरकार बनी, लेकिन बीजेपी ने सौदेबाजी से हमारी सरकार छीन ली। प्रियंका गांधी ने कहा कि देश में धनबल से जनादेश को कुचला जाता है। पिछली बार आपने हमारी सरकार बनाई थी, मगर जोड़ तोड़ और पैसे से भाजपा के लोगों ने हमारी सरकार तोड़ दी और अपनी सरकार बना ली। बीजेपी के नेता सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसके बाद प्रियंका गांधी ने सिंधिया और उनके कैंप के नेताओं की ओर संकेत करते हुए कहा कि हमारी पार्टी के कुछ ऐसे नेता भी थे जो सत्ता के लिए छोड़कर चले गए, अपनी विचारधारा भूल गए, उन्हें इसके लिए पैसा मिला। बता दें आपको कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह हो, कमलनाथ हो या फिर कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह, कांग्रेस की पहली पंक्ति के इन नेताओं के निशाने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से ज्यादा ज्योतिरादित्य सिंधिया होते हैं। अब इशारों ही इशारों में प्रियंका गांधी ने भी सिंधिया पर बयान दे दिया है और राज्य की सियासत का पारा और बढ़ा दिया है। मध्य प्रदेश में 15 साल के वनवास के बाद साल 2018 में सत्ता में लौटी कांग्रेस की सरकार को मात्र 15 महीने में सत्ता गंवानी पड़ी थी और इसमें उनके अपनों ने ही सबसे बड़ी भूमिका निभाई थी। आज जब प्रियंका गांधी जबलपुर में मंच से संबोधित कर रही हैं, तब भी वो उसी बात का जिक्र कर रही हैं, बिना किए रह नहीं पा रही हैं। उन्होंने नाम न लेते हुए इशारों इशारों में कांग्रेसी से भाजपाई बने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके कैंप के विधायकों पर निशाना साध दिया। वहीं कांग्रेस को उम्मीद है कि केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया उनके समर्थक विधायकों की बगावत का भरपूर फायदा इस बार विधानसभा चुनाव में मिलने वाला है। कांग्रेस नेताओं का यह भी मानना है कि सिंधिया और उनके समर्थकों की बगावत से प्रदेश में नाराजगी है, क्योंकि जनता ने कांग्रेस को वोट दिया है। आपको बता दें कि 2018 में कांग्रेस प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सामने आई थी, लेकिन मार्च 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके 20 से अधिक वफादार विधायकों के विद्रोह के बाद मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिर गई, जिसके बाद शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनी। बीते 5 साल में ये राज्य 2 सरकारें देख चुका है। 2018 में आए चुनावी नतीजों के बाद राज्य में 15 साल बाद कांग्रेस ने सरकार बनाई। कमलनाथ राज्य के मुख्यमंत्री बने, हालांकि राज्य की कमलनाथ सरकार 15 महीने तक ही चली। 15 महीने बाद फिर से भाजपा की वापसी हो गई सत्ता में। मध्य प्रदेश में पिछला विधानसभा चुनाव कई मायनों में बेहद रोमांचक था। 230 सदस्यीय विधानसभा में कांग्रेस को बहुमत से 114 सीटें मिली थी। वहीं भाजपा के हिस्से मात्र 109 सीटें आई थी। हालांकि ये भी दिलचस्प था कि भाजपा को 41% वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस के हिस्से थोड़े कम 40.9% वोट आया था। बसपा को 2 जबकि अन्य को 5 सीटें मिली थी और नतीजों के बाद कांग्रेस को बसपा और सपा के साथ अन्य का साथ मिला, जिसके बाद सरकार बनी। इस तरह से राज्य में 15 साल बाद कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनी और कमलनाथ मुख्यमंत्री बन के सामने आए। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार सिर्फ 15 महीने चली, 15 महीने बाद फिर से राज्य में भाजपा की वापसी हो गई। इस वक्त की अगर बात करें तो 230 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा के हिस्से 127 सीटें हैं, कांग्रेस के हिस्से 96, निर्दलियों के हिस्से 4 और 2 बसपा और 1 सपा के विधायक इस वक्त मध्य प्रदेश की सियासत में। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।